हरी बोल। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कहां पर? श्री जगन्नाथ पुरी धाम। श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। ये देखिए। वैसे उनका प्रसाद, ये स्पेशल धातु ना जगन्नाथ जी की। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सिर्फ 3 गिनने पे आप वहां पहुंच जाते हो। तो चलिए 3 गिनते हैं। 3, 2, 1, जय जगन्नाथ। टडा, और हम पहुंच गए हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम। आप सोच रहे होंगे कि ये जगन्नाथपुरी धाम तो लग नहीं रहा। हम जगन्नाथपुरी धाम में ही हैं, पर अभी मैं होटल में हूँ और शाम के करीबन 5:45 बज रहे हैं और मैं जाने वाला हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो आपको नहीं दिखा सकता, आप सभी जानते हैं वहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें जो भी मैं देख पाया वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। जय जगन्नाथ। तो हम जगन्नाथपुरी सड़क पे आ गए हैं। हम यहाँ सड़कों पे घूमेंगे, हर जगह दर्शन करेंगे, धाम का आनंद लेंगे। अभी हमें कोई लेने आ रहा है, मंदिर लेके जाएंगे और हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। भक्तों के बिना ये संभव नहीं है। जब हम वृंदावन में रहते हैं तो बात अलग है, वहाँ पर रहकर हमें समय मिलता है, हम दर्शन आराम से कर सकते हैं। जब समय कम हो और आपको यहाँ की मुख्य चीज़ों को जानना हो तो यहाँ के लोकल भक्त का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के लोकल भक्त आएंगे जिनके साथ हम दर्शन को जाएंगे, उनके मुख से जब दर्शन के बारे में सुनेंगे तो और अच्छे से दर्शन को कर पाएंगे। कांदू प्रभु जी आए हैं, हमें अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी के। जय जगन्नाथ। ये देखिए, ये है यहाँ का प्रसाद और बीच में एक छोटा सा आपको वो नजर आ रहा है, मोटा मोटा सा, वो है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। आज पंकु ने यहाँ देखा कि सच में जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर किसी भी प्रसाद को जूठा नहीं कहा जाता और कोई भी खा सकता है एक ही थाली के अंदर। कैसा एक्सपीरियंस रहा पंकु आपका? ओवरऑल बहुत अच्छा था। थोड़ा सच्चाई भी बताओ भैया। एक्चुअली हमने जब इसको बताया था कि यहाँ पर आपकी प्लेट में कोई और भी खा सकता है और जूठा कुछ नहीं होता है, इसको नॉर्मल लगा होगा कि मतलब ठीक है, पर वहाँ पर जाके जब इसने देखा कि सच में और जिस हाथ से खा रहे हो उसी से सब हो रहा है और बाद में भुचोल मुचोल तो ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा पंकु तेरा, है ना? फर्स्ट टाइम हुआ शायद लास्ट टाइम हुआ। कलम दोबारा आएंगे पंकु या प्रसाद का? मेरा फास्ट है कल। ये प्रसाद है रबड़ी, पंकु ने खत्म करी है सारी। चलिए कल हमारा परफॉर्मेंस है, आज जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए। ये हमारा दूसरा दिन है और हमें अभी सो के उठाऊँ क्योंकि हम रात को बहुत लेट आए थे। अभी हम तैयार होंगे और हमारी तैयारी शुरू होगी आज के शो के लिए जो इवेंट है शाम को। आज हम कहीं दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि जो शो होता है पूरा दिन चाहिए होता है और पूरे दिन में हमें जो भी तैयारियां करनी है, साउंड चेक तैयार होना, फिर शो, वो सब में लग जाता है। तो मैं अब जा रहा हूँ प्रसादम के लिए, मेरे को किसी को साथ में लेके जाना, नहीं तो अकेले खाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा खा रहा हूँ। तो क्या कोई और मुंह लगा के चेंज कर? हाँ लगा लो, बिंदी लगा लो, चलेगा। चलो भाई चलो 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 चलो। ये है हमारे प्रभु जी, जिनका जी बेटा हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके चक्कर में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं बताने दिखाना भूल गया कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अब मैं स्टेज देखने के लिए जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट आपने मिस कर दिया। दिस इज द स्टेज एंड दिस इज द ऑडियंस, जो अभी नहीं है मगर होगी। तो मेरी साउंड जो डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं उनसे बात हो गई है, साउंड इज़ गुड। थोड़े से चेंजेस करने को बोले मैंने इनको, तो ये चेंजेस कर देंगे। ये है, अच्छा आपके फादर भी है ना? हाँ, इनकी फादर मेरे चाचा। अच्छा क्या है उनका? 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। वी आर सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली और आज यहाँ पर ऐसे लोग कितने आ रहे हैं जो डांस करने में फुल शर्मा, पूरा 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 है, पूरा परिवार, कोई नहीं हो, हम लोग उनका शर्म हटा देंगे। अच्छा, अगर वाइस चांस कोई बच्चा तो उसका मैं भी हटा दूंगा। वी विल जस्ट रॉक। और ये देखिए यहाँ पर फारी हो रही है, फारी हो रही है। जाइए। साउंड चेक होने से पहले हमारे पास थोड़ा समय है और वो समय हम किस में बिताएंगे? चैंटिंग करने में। तो हम सोच रहे हैं कि हम सब बीच में जाएंगे जहां बच्चे खेल सकेंगे मिट्टी से, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, और हम सब बैठ कर चैंटिंग करेंगे। लेट्स गो टू द बीच। सो हियर वी आर ऑन जगन्नाथपुरी बीच, इज ब्यूटिफुल, स्माइल प्लीज। छी, आई मस्ट से कि ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो यहाँ
जो भी इतनी सफाई रखता है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे काफी एक्सपीरियंसेस रहे हैं गंदे बीच देखने के भी। कितना सुंदर है ये बीच, बहुत सुंदर है। और साफ कितना ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, एकदम ग्रीन ग्रीन और व्हाइट व्हाइट, ग्रीन ग्रीन एंड व्हाइट व्हाइट, नो डर्टी डर्टी, नो पॉटी पॉटी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो मिलते हैं चैंटिंग के बाद। A few moments later. ये देखिए हमारा पूरा टब्बर। हरी बोल। तो ये देखिए यहाँ पर इनका दोपहर का कोई फंक्शन था, पूरा हो गया, लंच सर्व हो गया, मैं भी सूप पी रहा हूँ और हमारा साउंड चेक चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इवेंट का, अगर ये अच्छा ना हो, यानी साउंड अच्छी ना हो, तो पूरा का पूरा इवेंट बेकार जाता है। अच्छा अरेंजमेंट किया गया है क्लाइंट के द्वारा, ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो शाम को यहाँ पर होगा रॉक, भगवान के नाम का रॉक। तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं सभी, मैं, लक्ष्मी, निम्मी, ब्रज किशोर लेक्चर सुन रहा है, हरी, हरी क्या कर रहे हो आप, पापा। और जगन्नाथपुरी में बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा नज़ारा। हरी बोल, जय जगन्नाथ। घमासान बारिश हो रही है यहाँ पर और हमारा आधा पौना घंटा रह गया तैयार होना में, पौने घंटे में, और उसके बाद हम करेंगे भरी नाम नहीं, और उसके बाद करेंगे भरी नाम संकीर्तन सभी के साथ मिलके। और यहाँ बहुत सारे डिवोटीज आए हैं जो कि बहुत एक्साइटेड है माधवास रॉक बैंड की परफॉर्मेंस देखने के और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, हम भी तैयार हैं। सो माधवास रॉक बैंड इज रेडी। आज जगन्नाथपुरी धाम में हम फुल धमाल करने वाले हैं हरिनाम संकीर्तन से। नंदरानी इज रेडी, नाम भक्ति इज रेडी, माय होल टीम इज रेडी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज मजा आने वाला है। पर आज हमारे साथ और भी लोग आए, नए लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए हरे कृष्णा, तैयार हैं आप, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो कुछ ही मिनटों में हम जा रहे हैं स्टेज पे, हल्ला बोल हरी बोल। कौन हो आप, क्या वजूद है आपका? मैं आत्मा हूँ, सोल सोल सोल। कौन से शो की सोल हो? कौन से शो की सोल हो? अरे हाँ यार, वो नाइकी होती है ना, नाइकी का कौन सा, हाइकी। ऐसे लगेगा 5 साल ही, ओहो, घर जाके सुनने ना पड़े।
तो हमारा अभी परफॉर्मेंस खत्म हुआ है, भागे में भागे और हम ऑलरेडी 10 के ऊपर हो गया टाइम रात के, और अभी हम भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हो जाए। शयन दर्शन आपको दिखा नहीं पाएंगे, आप एनर्जी को फील कर सकते हैं। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि दर्शन हो गए। ये है प्रभु जी, सत्यनारायण प्रभु जी हमारे, ये देखिए पीछे देख रहे हैं आप, जय। मंदिर को अंदर से देखते ही ठंडक पड़ जाती है, तो मैं इनका नंबर भी दूंगा यहाँ पर, जिन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको ऐसे आनंद रखे, आपको ऐसा आप भजन करते रहिए, युवा पीढ़ी को जागृत करते रहिए, निष्काम भक्ति बांटते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हमारा चेकआउट का टाइम हो गया यहाँ से, अब हम जाएंगे किसी और होटल में रहने के लिए, क्योंकि अब से हमारी यात्रा शुरू होगी जगन्नाथपुरी की। वैसे कल दर्शन हुए नंदरानी और मुझे, अभी पूरी टीम को दर्शन कराने। नंदरानी यहाँ पर सामान पैक कर रही है, बहुत ही काम है, बहुत ही कि सारा का सारा मैंने पैक किया, आखिरी में रखना है इसको अंदर इसके। तो नंदरानी की बहुत नंदरानी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट, पूरी दुनिया देख रही है, इसका मतलब मेरी तो कुछ भी झूठ बोली जाएगी। नंदरानी देखो मेरे पास, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आपने नहीं किया। अच्छा मतलब दो लड़कियां मिलके मेरे निर्दोष का है, तुम वो फायदा उठा रहे हो, सुबह से लगा हुआ मैं यहाँ पर है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया जानती है सच, एक बार तो सच बोल दे, देखो हमारे चेहरे, एक बार हमारे चेहरे और बाबू के चेहरे, बताना कि कौन सच बोल रहा है। एक बार तो सच बोलते कम से कम, सबको पता है झूठ बोल रही है तू, रहने सुबह से लगा हुआ मैं यहाँ पर, देखा हंसी ना आखिरी में। ओए होए भैया, ये तो कह रहे जबरदस्त जबरदस्त। ओ जानबो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया की जय। हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुँच गई है, हंस के दिखाओ, दांत दिखाओ, शाबाश दांत दिखाओ, ये देखो सब टिड्डी मिड्डी बिंगा बोली। और अभी हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ जी के। जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। जो शेड निकली हुई है बाहर देखा छोटा सा, वो जो है वहाँ पे लक्ष्मी मैया रहती हैं। तो जब रथ लेकर आते हैं तो यहाँ पे रथ रोकते हैं, तो यहाँ पे जगन्नाथ जी और वहाँ पे लक्ष्मी जी, ऐसे दूर से एक दूसरे से वैसे एक दूसरे को देखते हैं। तो बस यहाँ पर एक ही चीज नहीं हो सकती है, अंदर के दर्शन, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन देखिए कितने खुश हैं हम, ये बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हाँ जी कैसे हुए दर्शन? मजा आया? हाँ जी दर्शन कैसे हुए? ये देखिए पीछे प्रभु जी कॉल करते थे, बहुत मजा आया। जय जगन्नाथ। तो सभी ने दर्शन कर लिया है और बहुत ही आनंद, ये देखो पीछे, ओ हो दिख रहा है आनंद, टोटा गोपीनाथ की जय। यहाँ पर सेवा करते हैं, इनके पूरा परिवार है और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ की कथा सुनाई है, बहुत बहुत आभारी है इन सभी के।
बहुत ही आनंद आया, यहाँ पर पूरी टीम है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में कुछ यहाँ के प्रभु जी ने हमें बताया, मैं अपने गोपेश्वर महादेव मंदिर वो वीडियो जरूर डालूंगा, इसमें कुछ प्रभु जी ने यहाँ की लीलाएं बताई उनके बारे में प्रभु जी बताएंगे सब। नित्य भागवत यहाँ पर पढ़ते थे गदाधर पंडित, महापुरुष सुनते थे। गदाधर पंडित कौन है? और यही पर चैतन्य महाप्रभु वापस वो लिए थे समाधि, समाधि महाप्रभु ने यहाँ पर लीला समापन किए थे, लीला समापन किए थे अपने जगह पर। और जब वो जब लीला समापन करके अंदर गए थे विग्रह के, तो जो बाहर उनका वस्त्र रह गया था उसकी भी समाधि यहाँ पर है। जो भी यहाँ पर टोडा गोपीनाथ जरूर है, जब भी आप जगन्नाथपुरी धाम में आते हैं। गिरिराज गोवर्धन जी हैं, यहाँ पर चंदन यात्रा से बहुत लीला होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं होटल में, हमारे होटल का नाम भी बहुत प्यारा है, श्रीपाद वाटिका। शाम को जाएंगे गंभीरा, सिद्ध बकुला और डिवोटी से मिलने, आज हमने मीट एंड ग्रीट रखा है, मजा आ रहा है। और हम अभी बैठे हैं रिक्शा में, कल एकादशी है, भगवान की बड़ी कृपा की एकादशी के समय पर आ पाए यहाँ पर। कल एकादशी हम स्नान करेंगे यहाँ पर महोदती में, महोदती मतलब समुद्र को यहाँ पर महोदती बोलते हैं। तो यहाँ हम कुछ डिवोटी से मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ पर धूप बहुत तेज है, कल बहुत बारिश थी तो हमने 4 बजे का टाइम रख लिया था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं सभी। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ, जी आप भी हेलो बोल दो, देखो हरे कृष्णा, ये कोलकाता से हैं, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ, हरि बोल। तो ये बेचारे अभी बड़े थोड़े थोड़े सैड हैं, क्योंकि इनको अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए, आज संडे था और बंद है जगन्नाथ जी का मंदिर। हमने उनको बोला कि हम प्रार्थना करते हैं कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन आपको जल्द से जल्द हो, चक्कर ये है कि कल भी बंद है। तो बोला परसों बंद है, फिर तो हालत पक्की हो जाएगी। तो परसों खुला है, बंद है, बंद है ना, देखो बोल रहे हो बंद है। ये बैंगलोर से है, कोलकाता से है, झारखंड से कौन है भाई, हाथ खड़ा करो। अरे बोल, जगन्नाथपुरी धाम से है। अच्छा, हम लोग बैंगलोर से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वेट करें, इसका नाम मृदंग, जब मृदंग आएगा तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे यहाँ। तो यार कीर्तन के लिए ध्यान से देखो इन चेहरों को, ये सभी इधर भी, ये सारे हीरो बनते हैं, लेकिन डांस करना किसी को नहीं आता है। ये देखो, अरे मैंने बोला डांस करो, सब तालियां मारने लग गए। अच्छा दोबारा करके दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे डांस करते। मेरे बांके बिहारी रात तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर, ये देखो ये देखो, ये डांस हो रहा है, ये डांस हो रहा है, ध्यान से देखिए इन चेहरों को, ये देखो ये देखो, सब देख रहे हैं, द नेशन इज वॉचिंग यू। अरे डांस करो, प्यारा लागे तू, ये ले नाचना जाने आंगन बेटा, हैं बेटा सबका डालूंगा वीडियो, ये सबका वीडियो मैं पक्का डालूंगा यूट्यूब पे। इनके घर वालों रिश्तेदारों देख लो, कुछ नहीं कर रहे डांस, सब शर्मा रहे हैं। कोई खुशी नहीं है सबका मुंह इस तरह का। हाँ आपको क्या है, भाड़े पे आए। हाँ माता जी हंसो थोड़ा, जगन्नाथ जी का इतना बड़ा मुंह, इतना हंसते रहते। धूप थी और सूर्य देव भी बहुत ज्यादा अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे थे। क्या नाम है आपका? बॉम्बे, बॉम्बे से। अरे वाह, जय जगन्नाथ, थोड़ी और जोर से जय जगन्नाथ। अरे हम हैं श्री सिद्ध बकुला वृक्ष, इतने महाप्रभु ने खुद लगाया था इसको, सिद्ध बकुला बोला जाता है, इसके बहुत सारे पास टाइम हैं। तो इस वृक्ष के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली अंदर से, और इसके पीछे भी लीला है। इस वृक्ष को तोड़ काटने के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर प्रार्थना करी वृक्ष से कि आप ही कुछ कीजिए। तो ये देखिए वृक्ष अंदर से पूरा खाली हो गया, ताकि किसी किसी के काम का नहीं, इसलिए इसको काटा ही नहीं गया। फिर फाइनली हमारी वो हो गई है, क्या हो गई है, हमारी पैकिंग हो गई है, लेकिन एक यहाँ से जो मस्सी मिली है बहुत सारी, वो लेके जाने के लिए हम स्पेशल पैकिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे जगन्नाथ जी वैसे उनका प्रसाद। और ये देखिए
ये स्पेशल धातु ना जगन्नाथ जी की कपूर का पेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रसाद नंदरानी खाएगी है? नहीं, ये सारा प्रसाद माधवास फाउंडेशन के सभी मेंबर्स के लिए है। तो ये जगन्नाथ जी के महा राइस जिसको कहते हैं कि अगर रोज हम इसको पाते हैं एक एक दाना तो हमें जन्म मृत्यु सर्कल जो है ना उसमें दोबारा दोबारा आना नहीं पड़ता। और अब हमारा फिर से शुरू होता है ट्रैवल जो कि 3-2-1 में ख़त्म होता है और हम वापस वृंदावन धाम पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ से लास्ट दर्शन थे आप सबके लिए। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अभी मुझे मालूम नहीं है रिलीज़ कब होगा, लेकिन जब भी होगा आई होप कि आपको अच्छा लगे। सो अब हम चलते हैं वृंदावन इन 3-2-1। जय वृंदावन धाम, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। तो देखिए हमारे साथ सारी टीम यहाँ पर पहुँच गई है। 3 मिनट 3 सेकंड लगते हैं वृंदावन पहुंचने में। जगन्नाथपुरी से है आप में से कोई ऐसा जो इतनी जल्दी पहुंच सकता है? मुझे वीडियो बना के दिखाना। हाँ, बहुत लंबी सांस लेते हुए मैं आप सभी से बात कर रही हूँ बिकॉज यू कैन सी कि कितने सारे बैग्स घर में, हमारा घर घर नहीं लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा है। लेकिन इस बार हमें गौशाला बनाना है इसलिए हम सारे के सारे शोज जो है वो ले रहे हैं, बैक टू बैक शोज चल रहे हैं और आधे दिन का रेस्ट मिल रहा है, कभी हमें एक दिन पूरा नहीं हो रहा तो फटाफट से फिर किसी शो के लिए जाना है। तो हम आज सुबह ही पहुँचे हैं जगन्नाथपुरी धाम से और इसके बाद अभी हम आज का दिन है और उसके बाद हमें कल को फिर से निकलना है कोलकाता के लिए अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock। और मैं आप लोगों का प्यार जो है ना उसको रिसीव करते करते भी मुझे लग रहा है मैं थकने लग गई। और जब मैं घर पे आई मुझे जगन्नाथपुरी धाम में भी मुझे एक माता जी मिली, उन्होंने ईयरिंग्स दिए और उसके बाद अभी मैं घर पे जब आई तो फिर से मैं कैसे संभालूंगी ओवरलोडेड योर लव। ये देखो दीज ब्यूटिफुल ईयरिंग्स और ये भी है, ये भी है और एक ही ब्यूटीफुल सा बैग है। सो थैंक यू सो मच। तो अभी ये जो मैंने आपको गिफ्ट दिखाए ये मुझे दिए हैं सचिन प्रभु जी ने, रोहतक से हैं सचिन प्रभु, थैंक यू सो मच। और जो मुझे जगन्नाथपुरी में ईयरिंग्स दिए थे वो थे मैथिली की मम्मा ने मुझे दिए थे। सचिन प्रभु ने बच्चों के लिए भी कुछ भेजा है, कुछ तीनों बच्चों के लिए आई थिंक जैकेट्स हैं और कुछ हुडीज हैं। और बाबू को कुछ बोलना है क्या मांगा सर? नीचे कर दिखाने मेरे को बढ़िया से दिखा। मैं ये कहता यार एक आधी इयरिंग मेरे लिए भेज देते, नहीं मैं इयरिंग नहीं पहनता हूँ, मतलब आगे से मैं बैठा हूँ नंदरानी के पास बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं इनकी जगह मैं खुद आपको ये अपील करती हूँ कि अगर कोई भी कुछ भी गिफ्ट देना चाह रहा है तो प्लीज मुझे बिल्कुल मत देना, मैं बार बार इसलिए बोल रही थी। आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप प्रभु जी को दे सकते हो, इनका कुर्ता का साइज या टी शर्ट का साइज XL है, अगर आप टी शर्ट ले रहे हो तो XXL है और मे बी वाइट धोती यू कैन गिफ्ट। लेकिन मुझे प्लीज कोई साड़ी, कोई इयररिंग्स, कोई पर्स कुछ भी मत देना, भगवान की दया, भगवान की मर्सी से मेरे पास सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। मे बी ही कैन कैन हैव समथिंग। सी हिज फेस। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। हम कोशिश करेंगे ऐसे ब्लॉग्स आगे भी लेकर आने के लिए। माधवास के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से ट्रैवल कर रहे हैं। हरे कृष्णा।